वीडियो में बात करने वाले हैं मैचडॉक शेयर के बारे में। आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिला 4293 रुपीज़ के पास। अगर पास की मोमेंटम की बात की जाए तो अराउंड जुलाई मंथ से स्टॉक में एक हम लोग को लगातार लोअर लो टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। और करेंटली अगर स्टॉक के सपोर्ट की बात की जाए तो जो कि स्टॉक का सपोर्ट है 4000 रुपीज़ का लेवल। तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैचडॉक में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से, आपका स्टॉप लॉस 4000 रुपये के नीचे होना चाहिए। क्योंकि जब तक मैचडॉक 4000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करा, स्टॉक पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, हम लोग को कभी भी मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2-3 दिन पहले अगर देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बन रहा, और देखेंगे तो लगातार हम लोग को 4 दिन से फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक स्टॉक ये ग्रीन कैंडल का लोअर ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब तक स्टॉक लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 4000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में हम लोग को कभी भी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो किसी को फ्रेश बाइंग करना मैचडॉक में इस गिरावट पे, तो बिल्कुल क्वांटिटी ऐड करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे जो कि 4000 रुपये के आसपास होना चाहिए, और ऊपर की तरफ मूव एक्सपेक्ट करेंगे 4500 रुपीज़ के ऊपर, जिससे पहला टारगेट निकल के आएगा 5000 रुपीज़ तक का, दूसरा टारगेट होगा 6000 रुपीज़ तक का, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 8000 से ज़्यादा तक का भी टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है मैचडॉक में। पास्ट की अगर मूव की बात की जाए तो स्टॉक एक बड़ा ऊपर की तरफ मूव दिखाया था, लेकिन करेंटली थोड़ा सा फॉल दिख रहा है। और देखेंगे तो एक स्टॉक में पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है, जिसको हम लोग पोलन फ्लैग टाइप का भी पैटर्न बोलते हैं। तो इस रेंज का जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, स्टॉक कुछ इस तरीके का रैली फिर से ऊपर की तरफ हम लोग को कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।